जी बेटा, एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तक जो है हमारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन टू यू। लेट अस डू द थर्ड पार्ट ऑफ दैट। इफ ए इज 4, डी इज -3। डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको बताया था, कल भी मैम ने बहुत बार आप लोग को ये चीज बताई थी कि टी एन एथ का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और इफ आई नीड टी वन, एन वन पुट करती हूँ तो वन माइनस वन जीरो हो जाता है, तो ये ए रह जाता है, दैट मीन्स 4। टी टू आपको पता है, टी एन की जगह पे टू पुट करोगे, टू माइनस वन दैट इज डी। तो बेटा ए 4, डी -3, आंसर इज 1। ओके, टी 3 मेरे पास, आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो बेस में होता है ना, डी के आगे उससे एक कम, ये फॉर्मूले से ही ड्राइव किया मैंने। ओके बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर ए दैट इज 4, टू इंटू -3, -6 + 4 दैट इज -2। अब नेक्स्ट टर्म मुझे क्या लिखनी है, दैट इज T4, दैट इज A+3D, 4 + 3 इंटू -3। हाँ जी, -9 + 4 -5। ओके बेटा, अगर आप वैसे भी सीधा देखो ना, D इज -3 ना, हर पिछली टर्म में अगर आप 4 में -3 ऐड कर लो 1 आ जाएगा, 1 में -3 ऐड कर लो तो देखो -2 आएगा, -2 में -3 ऐड कर लो तो -5 आएगा, आ रहा है ना। तो देयरफॉर नेक्स्ट फोर टर्म्स आर मेरे पास 4, देन 1, देन -2, -5, -8, सो ऑन। नेक्स्ट फोर या फर्स्ट फोर कहिए तो फर्स्ट फोर लिखो। ओके बेटा, क्लियर। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर, मेरे पास जो है थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और एनटीएससी में भी बेटा, एपी पर बेस्ड कॉम्पिटेटिव पेपर्स में भी, जो 10th लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर्स होते हैं उसमें भी एपी का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके बेटा, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उन्होंने कह दिया है कि ये एपी है बेटा, दे हैव रिटन इट, दिस इज एन एपी, और मुझे फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। वेरी इजी, फर्स्ट टर्म दैट मींस T1, और वो ए ही होती है, दैट इज 3 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। मैंने आगे भी बताया था, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दिस इज T1, दिस इज T2। तो बेटा 1 - 3, इसमें ये नहीं होता कि बड़े में से छोटा माइनस करना। डी कैन बी फ्रैक्शन, डी कैन बी विद नेगेटिव साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो आंसर इज -2। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका थर्ड पार्ट, लेट अस डू द थर्ड पार्ट। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे थर्ड पार्ट? रोल नंबर वाइज जो है आज हम करेंगे रोल। थर्ड पार्ट जो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सो ऑन। हाँ जी बेटा, अब मैं सबको जो है अनम्यूट कर रही हूँ, कोई भी बिना बात के अपने आप को म्यूट नहीं करेगा, जिसका नाम बोला जाएगा बस वो ही अपने आप को जो है म्यूट करेगा। फर्स्ट चाहत बेटा, हाँ जी चाहत, अनम्यूट योर सेल्फ, हरी अप चाहत। हाँ हाँ जी चाहत, चाहत अनम्यूट योर सेल्फ। ओके चाहत भी फास्ट बेटा, हाँ जी गुड मॉर्निंग चाहत बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी चाहत, मुझे बताइए बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? मैम 1/3। वेरी गुड, फर्स्ट
first term is 1 by 3 and how can you calculate the common difference? D? Ma'am, 5 by 3 minus 1 by 3. Very good. T2 minus T1 and T2 is given 5 by 3 minus 1 by 3. When you take LCM, 3 is the LCM, so 4 by 3. That is common difference. Very good, Shahad. Now, fourth part is your homework for question number jo hai beta 3. Fourth part is your homework for question number 3, beta. Okay? Now, let us discuss question number 4th, beta, with you. Let us discuss question number 4th. Haan ji. Ab beta, question number 4th mein, mere paas kya hai, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference, D, and write next 3 more terms. Pehle toh humein check karna hai. कि ये एपी में है कि नहीं है तो बेटा क्योंकि एपी में होंगे ओनली देन वी आर एबल टू राइट द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स हां जी 2 4 8 16 सो ऑन हां जी बेटा नेक्स्ट टर्म इज अक्षित अनम्यूट योरसेल्फ अक्षित अक्षित रोल नंबर 1 अनम्यूट योरसेल्फ Be fast, beta. Akshit. Haan ji. According to me, that child is absent. If he or she is not able to answer my question, so that child is yes. Unmute yourself. Hurry up, Akshit. I have given you option to unmute yourself. Ma'am, meko pehle na. हाँ जी चलिए आप मुझे बताइए हाँ जी अक्षित मुझे यस मैम हाउ टू चेक वेदर दीज टर्म्स आर इन एपी और नॉट मैम ए टू माइनस ए वन वेरी गुड और ए फोर माइनस ए टू अगर दोनों सेम है उनका डिफरेंस तो वो एपी वेरी गुड अक्षित अगर I let them T1, T2, T3, T4. Okay? Agar common difference, har ek mein, T2 minus T1 karun, 4 minus 2, answer is 2. T3 minus T2 karun, 8 minus 4. Dekhiye, ye 4 aa gaya. Clear cut hai. As common difference is not same. Dekho, yahan par same nahi hai. Therefore, 2, 4, 6, 16, so on, are not in AP. AP में होगा तो अगला काम होगा. अगर AP में है ही नहीं, तो बेटा अगला काम हम कर ही नहीं सकते. Okay, बेटा? Clear to you? Very good, Akshay. Now, बेटा, इसी का हम लोग second part करते हैं. Let us do the second part. What is written there? 2, 5 by 2, 3, 7 by 2, so on. Haan ji. Next turn. Bisam. Unmute yourself. Hurry up, Bisam. Ma'am will firstly subtract the second term, first term from the second term. Okay. And then the third term from the fourth term. And see if the common difference is same or not. Very good. Very good. So, beta, aap, kyunki ye concept to aapko pata hai. बट आपने मुझे अभी बताना है बिसम ने बनाया बताया बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम मैम 5 बाय 2 माइनस 2 करें तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो बेटा 1 बाय 2 आ रहा है इधर से और इधर अगर मैं करूं तो 6 माइनस 5 यहां से भी 1 बाय 2 आ रहा है जितनी टर्म्स दी होती है ना बेटा सब में कॉमन डिफरेंस कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस जरूर करा करो अगर सेम सेम आ रहे हैं So let us minus T4 minus T3 also. 7 by 2 minus 3. So that is again 1 by 2. So aap likhoge. Since common difference is same here, so it is in AP. So mere paas beta yahan par as common difference is same, therefore given sequence ya series jo hai that is in AP. Are in AP. अब
उसने कहा है अगर एपी में है पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो, वो तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, वो मुझे पता है 1/2। और मुझे क्या कहा गया कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालो। हाँ जी नेक्स्ट टर्म, हाँ जी मेरे पास वो है दक्षिता, दक्षिता अनम्यूट योरसेल्फ, दक्षिता। यस मैम। हाँ जी हाउ टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म्स दक्षिता? हम नेक्स्ट T5 निकालेंगे जो हमारा क्या कहते हैं जो 7/2 है उसको जो D आया है डिफरेंस आया है उसमें प्लस करेंगे तो हमारी जो है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। वेरी गुड दक्षिता, दैट इज आल्सो करेक्ट कि आप 7/2 में D ऐड करते जाओ तो दैट इज 8/2 दैट इज 4। ये भी करेक्ट मेथड है, या हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं A प्लस 4D। A मेरे पास जो है वो 2 है, 4 इंटू डी 1/2 है, तो आंसर उससे भी सेम आएगा। यू कैन डू इट बाय एनी मेथड। हमने T5 निकाल लिया, आफ्टर देन T6 A प्लस 5D, तो मेरे पास A 2 है, 5 इंटू 1/2, अगर मैं देखूं तो बेटा ये 9/2 बनेगा T7। हाँ जी कैन एनीबॉडी टेल मी नेक्स्ट टर्न दक्षिता के बाद जो है दैट इज दीक्षा दक्ष, सॉरी दक्ष अनम्यूट योरसेल्फ, हरिया दक्ष मैम। हाँ जी हाउ कैन वी कैलकुलेट T7 दक्ष? मैम T7 इज इक्वल टू T6 प्लस डी। ओके T6 प्लस डी, व्हाट विल बी T6? What is here T6? T6 कितनी निकाली हुई है दक्ष देखिए बेटा, that is 9/2 देखिए, we have calculated here and D is 1/2, 10/2, answer is 5. Okay दक्ष? हाँ जी very good। हाँ जी now come to बेटा this concept, you have to do the part as homework बेटा, इसमें से 5th part, 8th part, 5th, 8th and 13th part, 5th, 8th and 13th part। एक बार 5th part discuss कर देती हूँ, normally बच्चों को confusion होती है irrational वालों number की, अब हम एक बार discuss कर लेते हैं ताकि बाकी सारे भी आप खुद कर सकते हो। okay चलिए let us discuss 5th part with you। 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2। okay तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये AP में है कि नहीं है। for that बेटा what we have to do, same बेटा पहले common difference check करें, 3 plus root 2 this is second term minus 3, 3 and 3 cancel, root 2 is left, next T3 minus T2, what you do, you have to write here, this is ki humne ye term let kar liya, okay, to mere paas beta 3 plus 2 root 2 minus mere paas jo hai 3 plus root 2, ab do terms hai to bracket laga di, bahar minus laga di, sign change karenge यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 एंड 3 कैंसिल, दीज आर लाइक टर्म्स, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है, 2 माइनस 1 1, तो ये रूट 2 आया। सेम जब आप T4 माइनस T3 करोगे ना आंसर रूट 2 ही आएगा, तो आप लिखोगे एज कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore जो है given series is in AP with D जो है that is common difference, हमने calculate किया root 2 and next terms निकालिए T5। हम क्या करें T4 में आपका method लगा देती हूँ मैं, D add कर देती हूँ, क्या होगा बेसिकली रूट टू का कॉफिशियंट बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे ही T6 निकाल लेते हम,
टी फाइव प्लस बी, तो मेरे पास टी फाइव, मैंने थ्री प्लस फोर रूट टू और प्लस डी, तो मेरे पास क्या हो गया, थ्री प्लस फाइव रूट टू। ओके, ऐसे ही बेटा आप टी सेवन निकाल सकते हो। सिर्फ रूट वाला क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि एक बार करवा देते। ओके बेटा, क्लियर? ठीक है, सेम एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सारे रूल्स ऐसे ही लगने, टी एन एथ का फॉर्मूला लगना है। बट एक चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए, जो कल मैम ने डिस्कस की थी आपके साथ, कि वेन एवर दे आस यू कि चेक वेदर दिस इज द टर्म ऑफ एन एपी, तो बेटा आपने एन कैलकुलेट करना है। जब भी लिखा आए कि चेक वेदर दिस इज द टर्म, आप एन निकालो। अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो वो टर्म होगी, अगर एन नेचुरल नंबर नहीं आता, मींस नेगेटिव में आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है, तो आप कहोगे कि वो टर्म उस सीरीज की नहीं है। जब भी विच टर्म कहा है या चेक वेदर कहा है, हमेशा एन कैलकुलेट करना है। टेन तक कल क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज 5.2 के, ओके मैम ने डिस्कस किए थे। तो हम नेक्स्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से, फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 5.2, क्लियर? यस सक्षम, एनी प्रॉब्लम? सक्षम, यस बेटा। मैम हमने 12th तक डिस्कस कर लिए थे। ओके, 12th कर लिए थे, कोई बात नहीं, वी विल डू द 13th क्वेश्चन देन, दैट्स गुड। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है 13th फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा देखिए, हाउ मेनी टर्म्स, जैसे मैंने आपको कहा चेक वेदर या विच टर्म और वर्ड आ जाए हाउ मेनी, तब भी बेटा आप लोगों ने क्या करना है, एन ही कैलकुलेट करना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मेरे पास 13th क्वेश्चन में हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स जो हैं विच आर डिविजिबल बाय सेवन, जो है डिविजिबल बाय सेवन। बेटा हाउ मेनी हम तभी लगा सकते हैं जब सबसे पहले मुझे ए पता हो, nth टर्म यानी लास्ट टर्म पता हो। सबसे इजी तरीका होता है, आपको पता है फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर आपके पास 100 है, इसके नीचे तो टू डिजिट ही होंगे ना। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 × 7 ये 30 आया, बट आपको पता है 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 35 आता है ना। तो अगर 35 आता है तो आपको 5 नंबर और चाहिए यहाँ पर, तभी 5 उतरेगा ना। तो सिंपल सी बात है, मुझे फर्स्ट डिजिट पता चल गया कि मेरे पास ये फर्स्ट डिजिट 105 होगा जो 7 से डिवाइड होगा। ओके, अगला देखने की जरूरत नहीं है, अगर 7 से हमने देखना है, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे बेटा, 7 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि एक नंबर करेक्ट है तो आगे वो जाता ही जाएगा, 7 ऐड करते जाएंगे। 7 ऐड करेंगे तो 112, 7 ऐड करेंगे तो 113, 119, सो ऑन। अब बात है लास्ट नंबर की, लास्ट नंबर की, अब वो कैसे देखेंगे, आपको पता है 999 लास्ट थ्री डिजिट नंबर होता है। अब इससे जो आगे होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, 1000 आ गया ना, फोर डिजिट नंबर हो गया। तो अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये 29, 7 × 4 = 28, 19, 7 × 2 = 14। इसमें बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि बड़ा लिखोगे तो फोर डिजिट नंबर चला जाए। ये सिंपल माइनस किया 5, यानी इसमें 5 माइनस करना पड़ेगा, 9995 माइनस करेंगे तो ये 994 बन जाएगा, यानी जो लास्ट डिजिट है ना, सो ऑन, वो 994 है। ओके, तो अब क्लियर कट है, ए आपको पता चल गया 105, डी तो हमेशा वही होता है जिससे डिविजिबल होता है,
ऑलवेज दिस आप कैलकुलेट करके देख लो, दिस माइनस दिस सेवन ही आएगा, टी टू माइनस टी वन वो तो पता ही है सेवन. अब टी एन दैट इज 994. अब बता सकते हो नेक्स्ट टर्न मेरे पास जो है. दीक्षांत अनम्यूट योरसेल्फ. दीक्षांत यस मैम. जी आप बता सकते हो टी एन का फॉर्मूला क्या बेटा? अरे अब ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट में एन एन माइनस वन डी. एंड दीक्षांत व्हाट इज ए हियर? मैम ए है 105. वेरी गुड 105. एन हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि हाउ मेनी टर्म्स पूछे हैं. आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. कई बच्चे क्या कहते हैं कि मैम यहाँ जो टर्म्स होंगी ना वो 142 आएंगी. बेटा टर्म्स 142 तब आती अगर आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते. यहाँ 1 से नहीं स्टार्ट हुआ हुआ तो दैट्स व्हाई आप सीधा डायरेक्ट वो नहीं कर सकते. ओके तो हमें ये nth टर्म का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा. d इज 794. तो अब बेटा क्या करेंगे? मेरे पास जो है n माइनस वन इंटू सेवन ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. जब माइनस हुआ तो बेटा मेरे पास जो है ये आया 9 8 और 7 माइनस 8 माइनस 1 7. अब 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. जब मैंने 7 से यहां पर डिवाइड किया देखो मैंने जान बुझ के ना कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक की है. क्यों की है? कि आपको मैं बता सकूं. अब देखना ध्यान से अगर मैं यहां पर डिवाइड करती हूं तो ये 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा. ध्यान से देखना क्या ये डिवाइड हो रहा है. यहां पर अगर मैं ये उधर चले जाऊं ये लीजिए ऐड भी कर दूं. मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो है 7 8 9 प्लस 7 ये देखिए जरा 16 1 9 और ये 8 डिवाइडेड बाय 7. आप डिवाइड करके देखिए यहां पर क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बताइए. नहीं हो रहा तो यहां से पता चल जाएगा कि कोई ना कोई मिस्टेक हुई है. यस भानु पटेल 128 पे जाएगा. मैंने ऐसे नहीं पूछा. यस भानु आप बताइए बेटा. मैम 889 आएगा माइनस में गलत. यस यही मैं आपको बता रही थी कि मैंने जान मुझ के मिस्टेक की है कि अगर मान लीजिए माइनस करते करते या कोई कैलकुलेशन करते करते क्योंकि हाउ मैंने पूछा है एन नेचुरल नंबर ही आना चाहिए. अगर हमने ऐसे कर दिया हमें अपने आंसर से पता चल जाएगा कि हमने कोई मिस्टेक की है. जान मुझ के मैंने आपको कहा कि मैंने की है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपको पता चले कि अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मींस कोई ना कोई मिस्टेक हो गई. ओके जी अब हम करेक्ट करते हैं. तो मेरे पास देखिए ये लिखिए अब ये डिवाइड होगा अगर आप कर रहे हो. देखिए 7 वन द ठीक है 1 कैरी 18 2 द देन 7 द. देखिए क्योंकि उसी टाइम मैंने पकड़ लिया था कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग जस्ट बिकॉज कि हमारा एन फ्रैक्शन में आ रहा है. तो ये मिस्टेक मतलब आप सेल्फ चेकिंग कर सकते हो बेटा अपने आंसर की. तो दैट मींस एन कितनी है 128. इसका मतलब मेरे पास जो है 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है वो पता कितने हैं 128. इज इट क्लियर? सबको बात समझ आ गई बेटा? क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर बेटा 14. सेम क्वेश्चन यहां पर वर्ड डिविजिबल था बेटा वहां पर है मल्टीपल. ओके तो नेक्स्ट टर्न जो है किसकी है मेरे पास? गीतांशु अनम्यूट योरसेल्फ. हरी अब गीतांशु गीतांशु अनम्यूट योरसेल्फ.
ओके हरवीन हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ हरलीन अनम्यूट योरसेल्फ मैम हाँ जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ जो है फोर डिजिट माइट बी आपकी बुक में स्टेटमेंट डिफरेंट हो आप लोग अपने अपनी मैच कर सकते हो कि आप में क्या दिया हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन मेरे पास हो गए 10 एंड 250 बेटा ये भी हो सकता है 100 एंड 250 ये भी हो सकता है कोई भी स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर लाइज बिटवीन आप चाहे 10 से कर लो जिससे मर्जी कर लो 10 एंड 250 फोर के कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में लाइज करते हैं बात तो वही है हमने क्या कैलकुलेट करना है मल्टीपल या डिवाइजर बाय फोर करें तो कितने नंबर है जो इन दोनों के बीच में आते हैं हाँ जी अरवीन बताइए बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे हरलीन इसमें हम पहले 12 लेंगे क्योंकि 12 4 से डिविजिबल होता है फिर ऐसे हम आगे आगे करके एपी बना लेंगे उसकी नेक्स्ट कैसे लेंगे क्या ऐड करेंगे 4 4 ऐड करेंगे वेरी गुड ये आ गया तो लास्ट टर्म कैसे लास्ट टर्म मैम जो 250 के पास जो डिविजिबल होगी वो हम लास्ट टर्म ले लेंगे वेरी गुड तो डिवाइड करके देखेंगे ना मेरे पास 26 था 24 10 8 का और ये 2 मेरे पास रिमाइंडर बच गया दैट मींस 248 इज द लास्ट टर्म आप ये डिवीजन शो करोगे कि वहां पता चले कि रिमाइंडर 2 बचा है इसीलिए आपने 2 जो है वो माइनस किए ओके तो अब मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा वेरी गुड अरविंद तो अब अरविंद मुझे बताइए आगे कैसे करेंगे बेटा स्टार्ट कैसे करेंगे जल्दी मैम पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म 12 वेरी गुड व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस 4 हमने कैलकुलेट क्या करना है व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट कि उसमें 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 4 के साथ नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको n से We need to calculate n क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए ये कौन सी टर्म है अगर ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये था मुझे पता चल जाए कौन सी टर्म है तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर है टर्म ही फाइंड आउट करनी है ना मैंने कि ये लास्ट टर्म कौन सी पोजिशन पे अगर मैं कहूँ कि मैंने क्लास में बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाया है ना अगर मैं ये देख लू मैंने देखने कितने बच्चे आए हैं है ना आर एंटर हम रोल नंबर वाइज ही कर रहे हैं कि मेरी क्लास में अगर मैं देख लूं कि 20th पोजीशन पे कोई बच्चा बैठा है तो 100% 20 बच्चे होंगे अगर मैं देखूंगी कि हाँ 16 तक बेंचेस फिल है तो इसका मतलब 16 बच्चे बैठे होंगे होगा कि नहीं होगा ऐसे ही तो ऐसे ही अगर मुझे पता चलता है इसकी पोजीशन क्या मतलब ये कौन सी टर्म है यानी एन पता चलता है तो मुझे पता लग जाएगा कितने नंबर है तो बेटा उसके लिए नेक्स्ट हरवीन से नेक्स्ट मेरे पास है हरसिमरन अनम्यूट योरसेल्फ हरसिमरन अनम्यूट योरसेल्फ नेक्स्ट हसीता अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम हाँ जी बताइए हाउ टू कैलकुलेट एन बेटा क्या हाँ जी बोलिए बेटा हाउ टू यस मैम ए एन माइनस वन प्लस डी ओके वेरी गुड तो दैट मींस कि टी एन या ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इन टी बेटा साथ ही म्यूट करिए बहुत डिस्टरबेंस आती है प्लीज Thank you.
हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर a that is 12, n मुझे कैलकुलेट करना है, d is 4 और t n 248। अब फिर ध्यान से, अगर n फ्रैक्शन या नेगेटिव में आ गया मतलब हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक की होगी। अब इसको माइनस करेंगे तो बेटा 12 माइनस करेंगे तो 100% ये 6, ये 3, इधर 2, n माइनस 1 साथ में 4, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी 4 5 का 20, ओके देन 36, तो 9 दैट इज n माइनस 1, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n इज 60। तो दैट मींस मेरे पास 10 से लेकर 250 तक कितने नंबर्स हैं, 60 नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझाने लगी, वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझना है। अगर नंबर मेरे पास ऐसे लिखा होता 12 एंड 248 के बीच में अगर होता, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 12 एंड 248 which are divisible by 4, बेटा उसने between का है, तो that means इस केस में मैं ना तो 12 लूंगी ना 248 लूंगी। Reason, मुझे क्या कहा गया, between word is written, between, okay? अब अगर यहां पर कहा जाता मेरे पास कि how many numbers जो है, how many numbers are from 12 and 250? 10 मैं 12 include करती, मैं 12 include करती, 248 अपने आप आ जाना था क्योंकि 250 है, 250 तो जाता ही नहीं है ना, अगर divisible by 4 की ही बात कर रहे। बात समझ आई, इस वर्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिटवीन मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लेते, फ्रॉम मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आ सकती हैं तो आनी चाहिए, 12 आ सकता था तो आना चाहिए। अच्छा यही अगर 10 होता, मुझे पता 10 जाता ही नहीं है 4 पे तो मैं क्यों लूंगी बेटा, आता है तो ले सकते, मेरे कहने का ये मतलब, ठीक है? बिटवीन, फ्रॉम, इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके? आई विल सेंड द होमवर्क पार्ट्स इन योर ग्रुप एंड यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर, ओके बेटा? यस हर सिमर बेटा, यस हर सिमर। मैम अगर यहाँ 10 और 250 हो, फिर 10 फ्रॉम 10 और 250, 10 और 250 हो सकता है, और यस मैम, नहीं बेटा 10 और 250 वो तो डिविजिबल बाय 4 और 5 हो, वो अलग क्राइटेरिया, डिविजिबल बाय 4 और 5 वो डिविजिबिलिटी में के साथ वाले नंबर का आ सकता है, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है? ओके ठीक है, यस दक्ष, यस दक्ष अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एंड का केस तो बन सकता है पर मैम 10 एंड 250, हां तो वर्ड आगे भी तो होना चाहिए ना, फ्रॉम बिटवीन, मैं तो उसकी बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एंड बिटवीन की, वो तो बेटा 10 एंड 250 दो लिमिट्स तो बताओ गई ना, किन दो लिमिट्स के बीच में नंबर आना है, ओके एंड तो आएगा ही आएगा, बाकी और वाला केस जो हरसिमर कह रही है वो डिविजिबिलिटी के साथ आता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ओके क्लियर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा।